हुकुम, एक बात पूछूं? अवश्य। आपने ये जो मंगलसूत्र पहना है, ये अधूरा क्यों है? आधा भाग खो गया। फिर मिला नहीं? ना ही मिले तो अच्छा है रानी सा। को मैं समझी नहीं, क्यों? हम यहाँ अपने रिश्ते को नई सांस देने आए थे, इस मंगलसूत्र के इतिहास की चर्चा करने नहीं। आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए हमने आपकी बात स्वीकार ली। आप विश्राम कीजिए। कल सुबह हम दोनों देवगढ़ के लिए रवाना होंगे। क्षमा कीजिए रानी सा, हमने झूठ कहा आपसे कि हम आपको अपना बनाने के लिए आपके हाँ की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत कर ली प्रतीक्षा, अब और नहीं। आपके शरबत में व्याप्त नशे के कारण आप सोचने समझने की शक्ति खो चुकी हैं। बस कुछ समय के लिए आप केवल हमारी हैं। आपके असहज होने का कारण आप नहीं है, वो सोच है जो उस धूर्त ध्रुव ने आपके मस्तिष्क में भर दी। हम तो जानते हैं कि हृदय से आप भी हमें अपना मानती हैं। जो कमी रह गई थी वो आज हम पूरी कर देंगे। पहले वो दूर ध्रुव आ गया हमारे बीच और अब उसका दिया ये मंगल। परंतु आज आज हमारे बीच जो भी है वो जब तक तुमने सच्चाई थी, शराफत थी, मैं मजबूर था। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, पर अगर अब तुम बेईमान बन ही चुके हो तो मेरे भी हाथ खुल चुके हैं सूर्य प्रताप सिंह। मुझे पता था तुम तारा के साथ कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पीने के शरबत में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम्हारी ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा सूर्य प्रताप सिंह। ये खेल तुमने शुरू किया है पर खत्म मैं करूंगा। हुक्म, रानी साहब के साथ देवगढ़ जाना चाहते हैं, उनका आदेश है। पालकी लाई जाए। देवगढ़ कबर कैसे आए कुछ याद नहीं आ रहा।
आप यहाँ हमारे साथ एक कक्ष में हैं, एक शैया पे। हम संगम रात में भले ही एक ना हो पाए हो, परंतु आपके हमारे समीप आने का शुभारंभ हो चुका है। अरे बना बाबा साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें आपसे माँ साहब से बहुत सारी बातें करनी है। आपकी माँ साहब विश्राम कर रही है, जब वो उठ जाएंगी तब हम तीनों ढेर सारी बातें करेंगे। थक गए, आप फिर के बाद विश्राम कीजिए। सॉरे बना, आप जाइए मीनाक्षी बुआ सा के साथ जाके खेलिए। जब माँ सा जग जाएंगी तब हम तीनों ढेर सारी बातें करेंगे। जाइए। जी बाबा साहब। शुरू ध्रुव कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि हम रेमगढ़ से देवगढ़ कब आए, कैसे आए? हुकुम, हुकुम की जय हो। एक दुर्घटना हुई है, श्रीमान ध्रुव कारावास से निकल भागे हैं। हुकुम। आप क्या कर रहे थे? सैनिक बल से कहिए धरती आकाश पाताल जहां भी हो ध्रुव को ढूंढे और बंदी बना के हमारे पास लाए। जो 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 आ गया हुकुम। ओके जी हुकुम। आप कल हमारे साथ प्रेमगढ़ में हमारे सैनिक बल में थे। जी हुकुम। हमें बताइए हम प्रेमगढ़ से कब और कैसे आए। हुकुम, कल रात को ही आए। वो आपने आदेश दिया था कि पालकी को वापस देवगढ़ ले जाया जाए, तो आप और रानी सा गहरी नींद में थे, इसलिए आपको हैरान किए बिना आपके आदेश अनुसार हम कल रात को ही आपको देवगढ़ ले आए। जाइए ध्रुव को ढूंढिए। जो आज्ञा हुकुम। हमने आज्ञा दी। हमें कुछ याद क्यों नहीं? हुकुम की जय हो। आपने जो सामान लाने कहा था हम ले आए। चाहिए भाई साहब। भाई साहब का चेहरा मुरझाया हुआ है, अर्थात प्रेम महल में जिस मंशा से गए थे वो पूरी नहीं हुई। भाई साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं। रानी साहब के साथ गांव वाले देवी मंदिर जाना चाहते हैं। ऐसे अचानक क्यों? आज होली का दहन का दिन है और हम चाहते हैं कि आज के दिन रानी साहब देवी माँ के दर्शन करें। मान्यता है जब एक सुहागन अपने पति का नाम लेकर वहां प्रार्थना करती है, प्रसाद चढ़ाती है, तो पति पत्नी के रिश्ते में पारंपर प्रेम बढ़ता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, खुशियों का निवास होता है रिश्तों में। परंतु आप शायद भूल रहे हैं कि रानी सा ध्रुव जी की पत्नी है, आपकी नहीं। रानी सा ये बात भूल चुकी है
उचित यही होगा कि आप भी भूल जाएं। धीरे धीरे हम रानी सा को अपने रंग में ढालना चाहते हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी बनकर रहेंगी तो मानने लगेंगी कि हम ही उनके प्रेम हैं और हम ही उनके पति। और ध्रुव केवल एक छलिया जो बहका रहे थे उन्हें। परंतु छल और कपट तो आप कर रहे हैं, सच और झूठ छुपता नहीं। और कभी ना कभी ध्रुव जी के साथ उनके रिश्ते का सच और आपके रिश्ते का झूठ अवश्य सामने आएगा। ऐसा होने की संभावना ही समाप्त कर देंगे हम। ध्रुव बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और जिस दिन हमारे हाथ लग गए वो दिन उस संसार में उनका आखिरी दिन होगा। उनके साथ साथ उनके सच को भी मार देंगे हम। निश्चिंत रहिए आप मीनाक्षी। अब जाइए, मान बना सोना और चांदी बाईसा से कहिए कि हम सह परिवार गांव वाले देवी माँ के मंदिर जाएंगे। महल वापस कब लौटे? आपको समय चाहिए था, इसलिए कल रात ही देवगढ़ लौटने का हमने निर्णय लिया। आपकी इच्छा का मान करना हमारा पति धर्म है। जब तक आप स्वयं पूर्ण रूप से तैयार ना हो जाएं, हम प्रतीक्षा करेंगे। रानी सा, हम आपकी कुछ पसंदीदा चीजें लाए हैं। गांव में देवी माँ का एक मंदिर है, हम आपके साथ वहां जाना चाहते हैं। मान्यता है कि जब पति पत्नी पूरी श्रद्धा और भक्ति से वहां देवी माँ की प्रार्थना करती हैं तो मंदिर में स्थित शक्तियां उन्हें आशीर्वाद देती है कि उनका साथ जन्मों जन्मांतर तक बना रहे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सभी को लेके वहां जाएंगे और आज होली का दहन का दिन भी है और हम चाहते हैं कि आप भी पहले की तरह तैयार हो जाइए। हम आपके लिए आपके पसंदीदा आभूषण लाए हैं। ये हार, ये झुमके, ये आपके मन पसंद है रानी सा। क्यों? कान्हा जी के चित्र वाले ये विशेष आभूषण हमने जो आपके लिए बनवाए थे, कान्हा जी की सबसे बड़ी भक्त के लिए। हमारे को तो कुछ याद ही ना है। हम फिर से आपको ये आभूषण पहने देखना चाहते हैं। हम स्वयं अपने हाथों से आपको यह आभूषण पहनाएंगे। आदत हो जाएगी रानी सा, फिर नहीं चुभेगा।
क्षमा हुकुम, मैं रही होंगी कान्हा भक्त। चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आपने ये वस्तुएं, ये आभूषण जो हमारे को दिए, हमारे को कुछ याद नहीं। इन सब वस्तुओं से हमारे दिल में कोई हुरुरैया भी ना हुई, ही कोई जुड़ाव महसूस हुआ। क्षमा, लेकिन ये वस्तु उड़ने से अवश्य कोई ना कोई जुड़ाव रहा होगा हमारा हुकुम। आप हमारे को इसके बारे में बताइए। क्या कर दें ऐसा कि आपको हमारी बातों पे भरोसा हो जाए, आप उन्हें सच मानने लगे। पता नहीं क्यों इसे छूती हो तो अजीब सा लगाव, अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जुड़ने से किसी वस्तु के साथ ना हुआ। ऐसा लगता है जैसे जैसे इससे मारा कोई बहुत गहरा, कोई बहुत खास रिश्ता रहा हो। घूम फिर के इनका हृदय ध्रुव के साथ जुड़ी यादों पर ही वापस जाता है। हमें ध्रुव को इनके मन, मस्तिष्क और जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। पल्लवगढ़ से है ये उड़नी, संभवतः इसीलिए आपको लगाव की अनुभूति होती है। हम सैनिक भेजकर आपके बाकी के वस्त्र, आभूषण और चीजें पल्लवगढ़ से मंगवा लेंगे। हो सकता है उन्हें देखकर आपको कुछ याद आ जाए, हो सकता है उनके साथ भी आपको लगाव महसूस हो। सुनो बंधु, हुकुम से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। देखो हमारा ना बहुत बहुत बड़ा काम ना अटका हुआ है, तो आप अगर हमें हुकुम से मिलवा देंगे ना तो हमारा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। देखो ना मत कहना, हुकुम निजी कार्य में व्यस्त है, वो ऐसे ही कभी किसी से नहीं मिल सकते। अरे आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा समय खो नहीं लेंगे आपका। बस देखिए, ये आपके बाल बच्चों के लिए, हम अपना काम पक्का समझे ना। अब हुकुम अपने परिवार के साथ गांव वाले कुलदेवी मंदिर जा रहे हैं, जाओ वहां जाके देख लो, अगर मिल जाए तो तुम्हारा भाग्य। शुक्रिया शुक्रिया। सच कहें रानी साहब, ये ओढ़नी हमने आपको उपहार स्वरूप दी थी, हमारे प्रेम का प्रतीक। लाइए हम उड़ा देते हैं। क्षमा रानी सा, गलती से स्याही लग गई ओढ़नी पे। आप मन छोटा ना करें, हम आपके लिए इससे भी सुंदर नई ओढ़नी बनवा देंगे। आप बस तैयार हो जाइए। याद है हमने कहा था गांव में स्थित देवी माँ के मंदिर जाना है, जहां पत्नी जब पूरे मन, श्रद्धा और भाव से अपने पति के लिए प्रार्थना करे, प्रसाद चढ़ाए, तो
सौभाग्य प्राप्त होता है जोड़ी को। आज आप भी हमारे लिए प्रसाद चढ़ाएंगी, चढ़ाएंगी ना? तुम जा तो रहे हो मंदिर तारा के साथ, पर वहां से तारा अपने ध्रुव के साथ हो जाएगी। आज देवी माँ से आपका और हमारा साथ, जन्म का साथ मांगकर आपको हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.